हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे म्यू टोकन के बारे में। म्यू टोकन के अंदर एंट्री लेना चाहिए या नहीं, साथ ही में इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, और बुलरन की प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, कितने जीरो किल कर सकता है, क्या ये $1 टच कर पाएगा या नहीं। इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट ज़रूर देखें। 0.2x$0.34 इसकी प्राइस चल रही है, और आज इसमें 6% का डाउन हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ पर पिछले 1 मंथ की बात की जाए तो लगभग 20-25% डाउन आ चुका है। एंड जिन होल्डर्स के पास यहाँ पर म्यू टोकन नहीं है, उन्होंने बाय नहीं किया हुआ है, तो म्यू टोकन के अंदर एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर 0.2x$0.28 तक प्राइस मिल जाती है, वहाँ भी आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं, यानी कि लगभग $100-200 तक एंट्री बना सकते हैं, यानी कि इतना अमाउंट में बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना ही पैसा लगाए, इतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप खो सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पर देखा जाए मार्केट कैप की बात की जाए तो $308 मिलियन का मार्केट कैप है। इसकी जो रैंक है वो 148 इसकी रैंक है। एंड अगर आप यहाँ पर $1 बिलियन मार्केट कैप देखते हैं, जो कि बुलरन में आसान है, यानी कि अगर ये $1 बिलियन मार्केट कैप को टच करता है तो ये आसानी से 10 किल कर देगा। और अगर यहीं पर बुलरन में $10 बिलियन के मार्केट कैप को टच करता है तो ये आसानी से 20 किल कर देगा। लेकिन $1 जाने के लिए इसको $100 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो कि नामुमकिन है, यानी कि इतना पॉसिबल नहीं है कि ये $100 बिलियन के मार्केट कैप को टच कर सके। लेकिन हाँ, इतना पॉसिबल है कि 5-10 बिलियन के मार्केट कैप को ये टच कर सकता है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन पर वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग टोकन है, बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये लिस्ट है, इसलिए हो सकता है इसमें 5-10 बिलियन मार्केट कैप हमें बुलरन में देखने को मिल जाए। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो $67 मिलियन की 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही है, और आज 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग 30% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ पर एक्सचेंज की बात की जाए तो लगभग सभी एक्सचेंज पर आपको ये मिल जाएगा, जिसमें बड़े बड़े एक्सचेंज ओकेक्स, बायबिट, गेट आईओ, होबी ग्लोबल, बिटफिनिक्स, कुकॉइन, मैक्स ग्लोबल, बिटगेट, बिंग एक्स, P2B एक्सचेंज, यानी कि ऑलरेडी सभी एक्सचेंज पर यह लिस्ट है, सिवाय बाइनेंस के, क्योंकि बाइनेंस के फ्यूचर ट्रेड आप कर सकते हैं। बाइनेंस के फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कैट इन डॉक्स वर्ल्ड, यानी कि म्यू टोकन लिस्ट है, वहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पर ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, 1,02,000 फॉलोअर्स इनके ट्विटर अकाउंट पर कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन की हुई है। 17 जून को ये बाइनेंस के फ्यूचर ऑप्शन में लिस्ट हो चुका था, लेकिन बहुत ही जल्द हो सकता है बाइनेंस के स्पॉट ट्रेडिंग ऑप्शन में भी आ जाए, यानी कि बाइनेंस इसको स्पॉट वाले ऑप्शन में लिस्ट कर ले। अगर स्पॉट के अंदर ये लिस्ट होता है, यानी कि बाइनेंस की ट्रेडिंग के अंदर लिस्ट होता है, तो काफ़ी बड़ा पंप हमें म्यू टोकन के अंदर देखने को मिलेगा, 1-20 किल होती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 घंटे पहले का ट्वीट है, म्यू इज नाउ लिस्ट ऑन P2B एक्सचेंज, यानी कि P2B एक्सचेंज ने यहाँ पर म्यू टोकन को लिस्ट कर लिया है, जस्ट 1 घंटे पहले ही यहाँ पर लिस्ट किया है। अगर आप P2B एक्सचेंज को यूज करते हैं तो वहाँ पर आसानी से म्यू टोकन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियली P2B क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो दूसरा ट्वीट है वो है बिटफिनिक्स की तरफ से, तो यहाँ पर बिटफिनिक्स ने भी म्यू टोकन के लिए यहाँ पर ट्वीट किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बिटफिनिक्स पर इज नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन बिटफिनिक्स, तो बिटफिनिक्स पर भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। कॉइन स्टोर की तरफ से 1 दिन पहले ट्वीट किया गया था, न्यू लिस्टिंग ऑन कॉइन स्टोर, वेलकम म्यूज वर्ल्ड, ट्रेड टाइम 11/7/2024, यानी कि 11 जुलाई को 16 UTC पर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और विड्रॉल टाइम भी वही है, यानी कि जिस वक्त इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसी वक्त आप आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे। कॉइन स्टोर एक काफ़ी शानदार एक्सचेंज है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप आसानी से म्यू टोकन को बाय कर पाएंगे। म्यू टोकन धीरे धीरे सभी एक्सचेंज पर लिस्ट होता जा रहा है, और यहाँ पर
अगर आप पिक्सल वर्स नहीं करते हैं तो पिक्सल वर्स की माइनिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर म्यू टोकन ने उसको रिट्वीट किया है और ये काफ़ी बड़ी बात है। पिक्सल वर्स ने भी म्यू टोकन के ऊपर यहाँ पर बताया है म्यू टोकन के बारे में। तो म्यू टोकन एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार टोकन है, आने वाले वक्त में आप इसको बाइनेंस के स्पॉट ट्रेड में भी बाय कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो आप एंट्री बना सकते हैं, काफ़ी शानदार मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।